तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं आपके संस्कृत विषय में कौन कौन से पाठ से प्रश्न इस बार आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि हम त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस को जानने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपसे कक्षा 10वीं संस्कृत विषय में कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे। देखिएगा, मैंने सभी विषयों के ऊपर वीडियो बना के डाल दिए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से अपने प्रत्येक विषय के परीक्षा सिलेबस को जरूर देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने चाहिए और कौन कौन से पाठ आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग प्रत्येक वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए अच्छे से कि त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए हमें कौन कौन से पाठ अच्छे से याद करने हैं। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर के लिए आपको कौन कौन से पाठ के प्रश्नोत्तरों को याद करना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा सिलेबस। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। तो देख सकते हो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाठ देख लेते हैं कि आपको पाठ कौन कौन से याद करने चाहिए। तो प्रथम पाठ जिसका नाम है सूची पर्यावरणम, इसके प्रश्नोत्तर आप लोग याद कर लें। इसी के अलावा इसमें से खालिस्तान, सही जोड़ी वगैरह जो जो भी चीज़ें दे रखी है, व्याकरण सम्मत, इनको आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। अब इसके अलावा अगला पाठ है जिसका कि नाम है बुद्धि बलवती सदा अध्याय 2, इसको भी आप लोग पढ़ लें द्वितीय पाठा को। इसके अलावा चतुर्थ पाठ आपको याद करना है जिसका कि नाम है शिशु लालनम, इसको भी आप लोग याद कर लें, इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लें। इसके अलावा इस पाठ में जो जो चीज़ें दे रखी है, जैसे कि रिक्त स्थान हो गए, सही जोड़ी हो गई और बाकी की व्याकरण अगर इसमें दी गई है तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है, क्योंकि निर्देश में ऐसा बताया गया है कि पाठ से संबंधित जो भी व्याकरण होगी और रिक्त स्थान वगैरह होंगे ये भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ये पंचम पाठ में से जनली तुला वत्सला, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा षष्ठी पाठ जिसका कि नाम है सुभाषितानी, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा ये आपका सात पाठ है जिसका कि नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले सभी अध्याय के बारे में बता दिया है। चलिए जानते हैं अब व्याकरण को। तो देखिएगा, व्याकरण में एक पुस्तक आपको वैसे तो स्कूल से दी गई होगी, व्याकरण वीति, और अगर नहीं मिली है तो फिर भी आप लोग इन इन टॉपिक को अच्छे से समझ लें। वर्ण विचार, संज्ञा एवं परिभाषा, प्रकरणम, संधि पूछी जाएगी, शब्द रूप पूछे जाएंगे, धातु रूप पूछे जाएंगे और अपठित गद्यांश इसमें त्रैमासिक परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रत्यय पूछे जाएंगे, अव्यय पूछे जाने आपसे, समास पूछे जाएंगे, संधि पूछी जाएगी, अशुद्धि संशोधन इसमें पूछा जाएगा, पाठगत व्याकरण, देखिएगा पाठ के अंतर्गत जो जो भी व्याकरण दी गई है वो भी आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, आवेदन पत्र आपको याद कर लेने हैं और इसके अलावा निबंध भी आपको याद कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा सिलेबस बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी विषय के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप लोग इनको जरूर देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।